शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, राधे राधे। बंधुओं, आज निजला एकादशी के दिन मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ निजला एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और निजला एकादशी का महत्व क्या है। बंधुओं, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निजला एकादशी का व्रत किया जाता है, जो कि सभी एकादशियों से बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, निजला एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास के दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। बंधुओं, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को निजला एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी और पांडु एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत को सबसे पहले भीमसेन ने किया था। बंधुओं, इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और समर्था के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छत्री, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों और अनाज का दान तो करते ही हैं। आज के दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगाई जाती है, अर्थात बाजार में, गलियों में, जगह जगह पर लोग इकट्ठे होकर पानी की छबीले लगाते हैं, क्योंकि कहा जाता है ज्येष्ठ मास की एकादशी को पानी पिलाना बहुत ही पुण्यदायी होता है। ऐसा करने से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। बंधुओं, भीमसेन जो कि बहुत अधिक मात्रा में भोजन करते थे, यह उनकी एक कमी थी। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इसके उत्तर में व्यास जी कहते हैं, हे पांडु पुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में वृत नाम वाली अग्नि है, मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या एक समय भी भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप मुझको कोई ऐसा उपाय बताएं जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ लिखा गया है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले, अब क्या करूं? एक मास में दो व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन संक्रांति के बीच
ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान से सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को भोजन आदि दें। उसके बाद सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन ग्रहण करें। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल 1 दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का है। इसलिए यतन के साथ इस व्रत को अवश्य करें। इस दिन ओम नमो नारायणाय और भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें और गौ दान भी करें। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत वाले दिन प्रातः काल भगवान का पूजन करके प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ 1 घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उन्हें करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं, उसके फल का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वे चाहे ब्रह्म हत्यारे हों अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए। जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपान, जूती आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, निर्जला एकादशी का व्रत सभी को अपनी समर्था अनुसार अवश्य करना चाहिए। इस दिन किसी जीव की हत्या ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, दाढ़ी मूछ आदि ना बनवाएं। जो कोई भी निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, वे दशमी तिथि को ही हो सके तो भोजन ना करें, और यदि भोजन करें तो उसमें प्याज आदि का इस्तेमाल ना करें। एकादशी को प्रातःकाल जल्दी उठें, गंगा जल नहाने के जल में मिलाकर स्नान करें, और फिर भगवान के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल लेकर फूल लेकर व्रत का संकल्प करें। जैसे भी आप व्रत करना चाहते हैं, फलाहारी या फिर निर्जल, उसी प्रकार भगवान से प्रार्थना करें और जल भगवान के समक्ष छोड़ दें। फिर भगवान की विधि विधान से पूजा करें, भगवान को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें, और हो सके तो इस दिन विष्णु भगवान को पीला वस्त्र अवश्य ओढ़ाएं, भगवान को तुलसी दल अर्पित करें, और फिर
भगवान को फलों का भोग लगाएं और मीठा जल या मीठे में कुछ भी भगवान को अर्पित करें। बंधुओं, सारा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना या सुनना, विष्णु भगवान की किसी कथा को सुनना, गजेंद्र मोक्ष सुनना, गर्भ गीता सुनना आदि, कुछ भी, सारा दिन भगवान विष्णु की भक्ति में बिताना और रात को भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और भजन कीर्तन में ही अपनी रात्रि बिताएं। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें, किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करें। बंधुओं, निचला एकादशी के दिन दान अवश्य करें। भगवान विष्णु के समक्ष किसी भी मंदिर में एक जल का घड़ा, यदि घड़ा ना ले सकें तो पानी की बोतल ले, एक पंखा, फल जैसे कि आम, खरबूजा, खुमानी, तरबूज, कुछ भी भगवान को दक्षिणा सहित अर्पित करके आए और इसी प्रकार पानी की बोतल या घड़ा, फल, पंखा, दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण को दान अवश्य करें। बंधुओं, यदि आपकी समर्था है तो किसी को जूते, वस्त्र और छतरी का दान भी अवश्य करें। कहा जाता है ऐसा करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य के जन्म जन्मांतरों तक किए गए पापों का अंत हो जाता है। बंधुओं, एकादशी व्रत का पारण 19 जून को किया जाएगा। वैसे तो एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:43 पर शुरू हो जाएगी, परंतु इसकी समाप्ति 18 जून सुबह 6:24 पर होगी। बंधुओं, व्रत फिर भी 18 जून को ही किया जाएगा, क्योंकि कहा जाता है एकादशी के व्रत में कोई हरिवासर समय होता है जो कि 18 जून को ही है। इसी वजह से यह व्रत 18 जून को किया जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को उनकी प्रिय तुलसी की मंजरी अवश्य अर्पित करें। एकादशी के दिन गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ व ओम नमो नारायणाय या फिर भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जप करने से प्राणी पाप मुक्त, कर्ज मुक्त होकर विष्णु जी की कृपा पाता है। बंधुओं, रात्रि के समय भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण अवश्य करें। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती। बंधुओं, व्रत की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध देसी घी का अखंड दीपक जलाएं और दीप दान करना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए निर्जला एकादशी के दिन आसमान के नीचे सायंकाल घरों में, मंदिरों, पीपल के वृक्ष, तुलसी के पौधे के पास दीप प्रज्वलित करें। गंगा आदि पवित्र नदियों में भी दीप दान करना चाहिए। बंधुओं, इस दिन साधक को बिना जल पिए जरूरतमंद व्यक्ति या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करने से प्राणी को परम गति प्राप्त होती है। जल से भरा हुआ घड़ा आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।